हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने आ गया हूँ चैप्टर वन लेकर के फाइनेंस फॉर एवरीवन का। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सिलेबस डिस्कशन की, अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लेना उसको, जहाँ पे पूरा ओवरव्यू दिया है कि क्या सिलेबस है, क्या क्या है, कैसे कैसे है। और यहाँ पे ये यह है यूनिट वन लेसन वन, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इसको जल्दी से शुरू करते हैं, और ये मैं आपके नोट्स बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि बाकी के चैप्टर्स आप मिस ना कर दो। So, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें पांच सेक्शन है। पहला सेक्शन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, दूसरे सेक्शन में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, मेन कंटेंट थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन में है। जो थर्ड सेक्शन है वो फाइनेंशियल लिटरेसी मीनिंग एंड डेफिनेशन है, जिसमें आपको दो सेक्शन मिलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसी तरीके से 1.4 में भी तीन सेक्शन है, और फिर लास्ट सेक्शन समरी है। आप इसको यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या है, और हम सीधा शुरू करते हैं। सो देखो, ये है आपके लर्निंग आउटकम्स। कि इस चैप्टर के एंड तक आप ये चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है, क्या फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये है इंट्रोडक्शन। देखो, फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना, वो काफ़ी आज एक्सपैंड हो गए हैं, हर जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक इंसान की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है अगर वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। तो फाइनेंशियल इग्नोरेंस जो है, उसकी वजह से कई सारे डेंजर्स आ सकते हैं, जैसे कि आप अनमैनेजेबल डेट लोड्स बन सकते हैं, आप पे इतना कर्जा हो जाएगा जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। आप इसकी, और ये होता क्यों है, क्योंकि आपने गलत चॉइसेस ली थी, पैसा ढंग से खर्च नहीं किया था और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करी थी। इसकी वजह से फिर आप लोन पे डिफॉल्ट करोगे, जिसको बैड क्रेडिट कहते हैं, बैंकरप्टसी हो सकती है, होम फोरक्लोजर, पर कई सारे अनफेवरेबल आउटकम्स इसकी वजह से हो सकते हैं। सेक्शन 1.3 है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत एसेंशियल स्किल है जो सबके पास होना ही चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी कई लोगों को एम्पावरमेंट की फीलिंग देता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। जो OECD है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी की ये डेफिनेशन दी है, इसको आप पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो। और फाइनेंशियल एजुकेशन की ये डेफिनेशन दी है, आपके सामने स्क्रीन पे है, काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, इसको याद करने की ऐसी खास ज़रूरत है नहीं। OECD के हिसाब से एक इंसान को चार क्रूशियल एरियाज में नॉलेज होनी चाहिए ताकि उनको फाइनेंशियली लिटरेट कहा जा सके। वो चार एरियाज क्या हैं? मनी एंड ट्रांजैक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस, रिस्क एंड रिवॉर्ड, और फाइनेंशियल लैंडस्केप। ठीक है, अब आप फाइनेंशियल आइडियाज को कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हो और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन कैसे लेते हो, इस कैपेसिटी को फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा बनाना कैसे है, बचाना कैसे है, सेव कैसे करना है, इन्वेस्ट करना, बोरो करना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी एक कॉम्बिनेशन है कि क्या एबिलिटीज़ और इन्फॉर्मेशन है जो एक इंसान को इनेबल करती है कि अपने सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करे और ढंग से इस्तेमाल करे और वाइज डिसीजंस ले सके। सो ये है बेसिक यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब। अच्छा, अब अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ऐसे हर स्क्रीन का, तो मैं आपको बताता हूँ ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी PPT मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरी PPT आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ, तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट मत लो, सिर्फ और सिर्फ समझने पर और पढ़ने पर फोकस करो। एंड में हम डिस्कस करते हैं कि आपको PPT मैं किस तरीके से दूंगा। ओके, तो देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है कई लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए मदद करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है, ताकि वो बैड फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बच सकें, उनको रोकती है फाइनेंशियल लिटरेसी। इससे हमें ज़रूरी होता है कि हम बजट कैसे बनाते हैं, स्पेंडिंग पे कैसे हम नज़र रखें, अपना डेट पे ऑफ करें, रिटायरमेंट प्लान्स बनाएं, ये सब आपको समझना ज़रूरी है। इसमें ये भी हमें समझना होता है कि जो मनी है, यानी पैसा, वो फंक्शन कैसे करता है, फाइनेंशियल गोल्स इस्टेब्लिश कैसे किए जाते हैं, उनको पूरा कैसे किया जाता है, और क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो अनएथिकल और डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, कैसे होती है, उनसे कैसे आपको बच के रहना है, और लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनसे कैसे आपको बचना है और कैसे उनको संभालना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को समझते हैं। तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है, इसमें क्या है, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिवीजन, रिस्क रिटर्न, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं। फाइनेंशियल बिहेवियर सेकेंड कॉम्पोनेंट है, ये बेसिकली स्टडी है कि कैसे लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। और तीसरा है लोगों का क्या एटीट्यूड है टूवर्ड्स सेविंग्स, क्या क्या अपने शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स को प्रायोरिटी देते हो, या फिर अपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को आप प्रायोरिटी दोगे, आपकी रिस्क के लिए क्या प्रोपेंसिटी है, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 1.3.1 पे, जहाँ पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इसमें दो चीजें करते हैं, एक तो इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन आवर लाइफ, और दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियली सेवी। सो इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन आवर लाइफ क्या है, बहुत बेसिक पॉइंट्स अगर आप इनको पढ़ोगे भी, तो पहला ये है कि आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंस पता होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, अपनी स्पेंडिंग्स को मॉनिटर करेंगे, और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंटली पैसा बचाएंगे, सेव करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप डेट पे ऑफ कर दो और डेट से दूर रहो। ये नहीं कह रहे कि आपको कभी लोन लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप पैसा उधार लो और उसको टाइम से वापस भी कर दो। जब आप लोन की टर्म्स कंपेयर करते हो, तो फिर आपको देखना है कि सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट आपको कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ठीक है, आप पूरा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस हर महीने भरते रहो, चुकाते रहो, ताकि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े उस पर। तीसरा पॉइंट है कि आप डेट में जाना ही अवॉइड करो और बैंकरप्टसी लेना अवॉइड करो। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इतना उधार ले लिया कि अब आप उसको वापस नहीं कर पा रहे हो और आपको बैंकरप्ट होना पड़ रहा है, यानी आपका दिवालिया निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, और आपको उन चीज़ों पे पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको चाहिए, जिनकी आपको ज़रूरत है। आपको सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, स्ट्राइव फॉर अ सेफ एंड रिटायरमेंट। देखो, काफ़ी एक ऐसी सेंस होनी चाहिए आपको कि पैसा बचाना कैसे है, कैसी रिटायरमेंट हमको चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, लर्न द वैल्यू ऑफ सेविंग। आपको सेव करना चाहिए, भले ही आप बहुत कम पैसे बचाओ, लेकिन बचाओ ज़रूर, सारा उड़ा मत दो। ये आपके लिए कुशन बनता है इमरजेंसी कंडीशन में, जब बच्चा बेड से नीचे गिर जाए, वो एक तकिए पे गिरे तो बच जाता है। इसी तरीके से तकिया आपकी सेविंग्स होती है, जो आपको गिरने से, चोट लगने से बचा लेती है। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट्स इसमें हो सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सारी चीज़ें आप समझो और इसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करो। और आखिरी पॉइंट है कि फाइनेंशियली लिटरेट जो लोग होते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रॉड के काबू में नहीं आते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार नहीं बन पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियली सेवी। इससे आपको काफ़ी सेल्फ एश्योरेंस मिलती है जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो। आपको लाइफ में कई सारी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल चॉइसेस लेनी होती हैं, आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए, ताकि आप उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करो जो बेस्ट है। दूसरा पॉइंट है कि इससे आपको एबिलिटी मिलती है बार्गेन करने की। बार्गेन करने की मतलब, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट पे नेगोशिएट कर सकते हो, उनसे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम करवा सकते हो। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसी और इसमें साथ में ये भी आता है कि एक तो आपने इंटरेस्ट कम करवा लिया, दूसरा आप अपने गोल्स को बढ़ा रहे हो और अपने पैसे को ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हो। अगला पॉइंट है, अपने आप को डिफेंड करना आप आसान बना लो कि फाइनेंशियल फ्रॉड से आप बच सको, उसका विक्टिम ना बनो, तो आपको अपना डिफेंड करना आना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, जो उसको आसान बनाता है, उसके चांसेस बढ़ा देता है, अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी है तो। और लास्ट इसमें पॉइंट है कि इसमें आपको हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है। मतलब देखो, जो ज़्यादातर फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन हैं, वो बेस्ट अर्नर्स के अंदर आते हैं। बोलो, जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, उनको पता होता है क्या करना है, कैसे करना है। या फिर जिनके पास जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी होती है। ठीक है, अब सेक्शन 1.3.2 कहता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें आपको ये समझना है कि पैसा बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, और सेव कैसे करना है। एग्जांपल इसमें आ जाता है हाउस होल्ड बजट बनाना, कैसे आपको अपने डेट्स को मैनेज करना है, पे ऑफ करना है, प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं अलग अलग क्रेडिट के, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं। आपको काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आइडियाज़ की, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब जो इसमें ना कई सारे फाइनेंशियल स्किल्स और कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहला स्किल होता है बजटिंग। बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप अपना प्लान बनाते हो कि आपको पैसा स्पेंड कैसे करना है, आप एक राइट बैलेंस बनाते हो कि मनी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसों को आप कैसे इस्तेमाल करोगे, उसमें एक बैलेंस आपको बनाना होता है। आपको अपने एक्सपेंसेस पे नज़र रखनी होती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को साइड कर देना होता है, और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है, एक बंदा जो 1,00,000 रुपये महीना कमाता है, ये कैसे अपना बजट बना सकता है। तो आप देख सकते हो, उसने रेंट में पैसा दिया, लोन रिपे किया, एजुकेशन करी, ग्रोसरी बिल दिया, इधर उधर के खर्चे करे, और 20,000 रुपये उसने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करी है, और उसको इन्वेस्ट करेगा और ये पैसा और बढ़ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। सेकेंड इसमें आता है डेट। इसमें सिर्फ बोरोइंग नहीं होता, बेसिकली ये है कि आपने किसी का पैसा लिया है और आप उसको खर्च कर रहे हो। इसमें बैंक लोन होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। हर डेट बैड डेट नहीं होता है, बेसिकली बुरा नहीं होता है हर लोन। अगर आप अपनी नेसेसिटीज़ के लिए पैसा बोरो करते हैं,
तो उसको हम गुड डेट कहते हैं। इसमें आ सकता है आप एजुकेशन के लिए पैसा ले रहे हैं, घर के लिए पैसा ले रहे हैं, गाड़ी वगैरह के लिए ले रहे हैं। लेकिन कुछ डेट ऐसे होते हैं जो आप अननेसेसरी कॉस्ट के लिए करते हो, आप लग्जरी आइटम्स के लिए डेट ले रहे हो क्रेडिट कार्ड का यूज करके, वो पुअर क्रेडिट उसे कहा जाता है। तो मतलब अब मान लो आपने एक आईफोन लिया है उधार पे, पैसे उधार लेके आईफोन लिया है, तो ये गलत है, उससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसे डेट को बैड डेट कहा जाता है, बेसिकली पुअर क्रेडिट उसको कहा जाता है। ऐसे आपको फालतू खर्चे रोकने हैं और अपने आपको फाइनेंशियल ट्रैप में गिरने से बचाना होता है। तीसरा कंपोनेंट है सेविंग्स। ये इनकम का वो पोर्शन है जो आप करंट कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते हो, ठीक है। आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना है, वही बात जो बजटिंग में कही गई थी, तो आपको पैसा बचाना है और अपने अलग अलग टास्क पूरे करने हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, और एक इमरजेंसी फंड सेटअप करना होता है। फोर्थ इसमें कैटेगरी है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करो, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा रीडायरेक्ट करो, ना कि सिर्फ बैंक में खाली छोड़ दो। इन्वेस्टिंग में आप अपने वेल्थ क्रिएट करते हो, उसको इंक्रीज करते हो अपने फ्यूचर सिक्योरिटी और हैप्पीनेस के लिए। कई पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे डेट्स, स्टॉक, होम्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स और गोल्ड। हम अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं कि जो हमें पोस्ट रिटायरमेंट में चाहिए वो सब। हाँ, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हो तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एंड में बताऊँगा कि ये पीपीटी मैं आपको कैसे देने वाला हूँ, इसलिए आप निश्चिंत होकर अभी सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। सेक्शन 1.4 है प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड न्यूमेरिकल कम्युनिकेशन एबिलिटी। ये देखो, इसमें ना पहला सेक्शन कहता है लेवल ऑफ एजुकेशन। एक होता है डिपॉजिटेड फंड्स, आपको एक बैंक अकाउंट आप खोलो, वो सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आपको डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप करना चाहिए एज सून एज यू रिसीव अ पेचेक, आपको जैसे ही पैसा मिलता है, इससे आपका पैसा सेफ रहेगा। दूसरा है बजटिंग, वही हमने अभी देखा कि बजट की नॉलेज होना कितनी ज़रूरी है, आप अपने स्पेंडिंग को ध्यान रखते हो, सेविंग करते हो। तीसरा है इन्वेस्टिंग, इसमें आपको कई चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट, प्राइस रेंजेस, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज और इंडाइसिस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगली कैटेगरी है बोरोइंग, आपको कॉम्प्रिहेंड इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पेमेंट टर्म्स, लोन अरेंजमेंट्स, ये सारी वही बातें हैं। और टैक्सेशन आता है, और टैक्स सिस्टम ना काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, और हर इंसान की जो नेट इनकम होती है उसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत होती है। इनकम अलग अलग सोर्सेज से आती है और सब सोर्सेज को टैक्स करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। आप अपने बीकॉम में ही इनकम टैक्स के अंदर ये चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, सैलरी से इनकम आ रही है, बिजनेस से आ रही है, प्रॉपर्टी गेन से आ रही है, कैपिटल गेन से आ रही है, ये सारे अलग अलग सोर्सेज हैं और सबको टैक्स करने का तरीका भी अलग अलग होता है, ये आप समझोगे। और लास्ट इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये अच्छे से करनी होती है। सेक्शन 1.4.2 है कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, आपको फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में अच्छे से समझना है। आप पीरियडिकल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी है, या फिर कुछ वेबिनार्स पॉडकास्ट अटेंड करो। दूसरा पॉइंट है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए टूल्स इंप्लॉय करो, कई सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जैसे आप सेविंग्स अकाउंट चेक कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स, मॉर्गेजेस वगैरह वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करो। तीसरा है आस्क फॉर गाइडेंस, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है आपको सजेशन दे सकता है कि आपको अपना पैसा मैनेज कैसे करना है और डेट पेमेंट्स को कैसे कंसोलिडेट करना है। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय अवेलेबल नेटवर्क्स, हमारे यार कई दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, या फिर ऐसे हमारे जानकारक होते हैं जो हमें एडवाइस दे सकते हैं या इनसाइट दे सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। CPA मतलब सर्टिफाइड पर्सनल अकाउंटेंट था शायद, एक बार आप गूगल कर लेना, व्हाटएवर, लेकिन ये आपके जानकार में ऐसे जो लोग हैं जो आपको ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, उनसे आपको बात करने आना चाहिए और उनसे आपको एडवाइस भी ज़रूर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट है बजट नॉलेज, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। अगला पॉइंट है अवेयर ऑफ क्रेडिट, आपको पता होना चाहिए क्रेडिट इतना क्रूशल क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं जो आपका क्रेडिट्स को डिटरमाइन करते हैं और अपनी क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने सेविंग्स अकाउंट को मैनेज करना, चेक करना आना चाहिए। आप डेट्स और लोन्स के बारे में समझो, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो और आइडेंटिटी थेफ्ट के खतरे को समझो, मतलब कि कोई और आपकी आइडेंटिटी लेकर के कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ले विदाउट कंसेंट, उसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। आपका नाम, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर या अदर डिटेल्स ले सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट करो, ठीक है। 1.4.3 है स्किल्स इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इन टू प्रैक्टिस। पहला है क्रिटिकल एनालिसिस, ये आपकी क्या कैपेसिटी है कि आप प्रोस्पेक्टिव रिस्क को कैसे क्रिटिकली इवेल्यूएट कर सकते हो और वो कैसे एक की वैल्यूज, गोल्स, एनवायरनमेंट के साथ
फिट होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कोई दूसरी स्टेट से जॉब ऑफर आया है, तो आप अपने गोल्स एंड वैल्यूज को असेस करोगे, साथ ही में आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखोगे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी देखोगे, और ये डिसाइड करने के लिए कि आपको जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। दूसरा पॉइंट है इसमें रिजॉल्विंग इश्यूज, यार बहुत सिंपल मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरे को क्या ट्रांजिट ऑप्शन यूज़ करना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं कि घर में पैसों की बहुत कमी है लेकिन घर को चलाना है, गोल्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें, जो घर में मेन पैसा कमाने वाला इंसान है जिसको ब्रेड विनर कहते हैं उसकी नौकरी खतरे में है, कभी भी नौकरी जा सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, इनमें कैसे आपको इश्यूज से निपटना है ये आपको आना चाहिए। तीसरा है इंटरेक्शन, कि आप कम्युनिकेट कर पाओ कंसाइजली और क्लियरली, अपनी जो ज़रूरतें हैं एक्सपेक्टेशंस हैं वो बता पाओ। आप बैंक में भी जाओगे किसी से बात करोगे तो आपको बात करना आना चाहिए, आप इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछो, आप सारी डिटेल्स लो, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, जो स्मार्ट कस्टमर होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेते हैं रिलायबल सोर्सेज से, वो सारी चीज़ें समझते हैं, प्रोसीजर समझते हैं और डेटा का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। अगला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपनी ओन जो आपकी वैल्यूज गोल्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। अगला है नेविगेशन सिस्टम, हर कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तो वो एक नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आखिरी है फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस टू लर्निंग, आप बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए और हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए आप तैयार रहने चाहिए। और लास्ट में आ जाती है समरी, ठीक है, तो समरी में कुछ खास ऐसा है नहीं, आपको बस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स समझाए गए हैं, आप फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में बताया है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर कैसे रहना है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करके, फाइनेंशियल गोल्स अटेन करके, अपने आप को इमरजेंसी में सेफ गार्ड करके, ठीक है, अपनी फैमिली का फ्यूचर बचाओ, एक रिटायरमेंट के लिए प्लान्स बनाओ, ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप ये पूरा पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ये जो PDF है जिसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि सब लोगों का फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं, इस PDF में है 43 पेजेस लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं सिर्फ 13 पेजेस, तो बचे हुए 30 पेजेस में है क्या, जो 30 पेज हैं उसमें है कई सारे क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद मैंने आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं इसमें, लेकिन क्या मैं उस वीडियो में कवर करने वाला हूँ उनको, नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको वो PPT दे दूंगा जिसमें सारे नोट्स भी हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो वो PPT आपको मिलेगी कैसे, तो यार इसके लिए आपको थोड़ा सा एक पेन उठाना पड़ेगा, वो ये है कि आपको इसके लिए 20 रुपीज पे करने होंगे। अब आपको क्या भाई पैसे क्यों मांग रहा है, ये तो फ्री में देना चाहिए। देखो इसके लिए बहुत मेहनत लगी है, सिर्फ नोट्स बनाने में नहीं, नोट्स तो चलो ठीक है उसमें लिए मैंने मेहनत करी, क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत करी है उसको बनाने के लिए, और बदले में मैं आपसे सिर्फ 20 रुपीज़ मांग रहा हूँ। इसमें मतलब यार हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, कॉफ़ी पे जाते हैं, उसी में हम कितने 100, 200, 500 रुपये खर्च कर देते हैं, 20 रुपये कुछ भी नहीं है। आप रिक्शा करके कॉलेज जाओगे उसमें भी 20 रुपये लग जाते हैं, तो 20 रुपये बहुत छोटा अमाउंट है, उसमें आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। इसमें मैंने पूरी कैटेगरीज बनाई हुई है, सेक्शन 1 में मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं, मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, कुछ एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ क्वेश्चन आंसर के। ये देखो सेक्शन 2 मैंने बनाया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। अब जैसे देखो इसमें एक एक क्वेश्चन है और उसको मैंने नीचे आंसर इसमें डिस्कस किया हुआ है पूरा। सो ये PPT आपको एज इट इज़ मैं दे दूंगा, पूरी मेहनत से इसमें 30 क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने केस स्टडी क्वेश्चंस भी इसमें डाले हैं, उसका भी एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे ऐसा पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको पूरा अपना मंथली बजट बनाना है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है दिखा करके कि आप कैसे अपना मंथली बजट बना सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा गारंटीड कि आपको अपना मंथली बजट बनाना है, लेकिन आप अभी बिल्कुल इंट्रोडक्टरी स्टेज पर कैसे बनाना है वो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी, और उसमें थोड़ा कुछ कमेंट भी करना होता है, वो कमेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपको मैं सामने अपनी UPI डिटेल्स दिखा रहा हूँ, इस डिटेल्स पे जाकर आप 20 रुपीज पे कर दो और फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे wikiworld_official, इस पे जाना, अकाउंट को फॉलो कर देना और वहाँ पे मुझे चैट में स्क्रीनशॉट भेज देना और नीचे लिख देना कि मेरे को चैप्टर 1 की PPT शेयर कर दीजिए, मैं आपको PPT का लिंक भेज दूंगा। पूरी 43 स्लाइड्स हैं इसमें और यहाँ पे आपको सारे नोट्स
और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको क्वेश्चन आंसर पता होने चाहिए कि क्या आ सकते हैं और उनका आंसर कैसे करना है। सो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, घबराओ मत, बस 20 रुपये दे दो, बहुत छोटा अमाउंट है और उसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है। और अगली वीडियो का वेट करो, चैप्टर 2 में बहुत ही जल्दी कवर करने वाला हूँ अगली वीडियो में, तो उसके लिए रेडी रहना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।